का 78वां साल मना रहे हैं। देश ने बहुत तरक्की की है, हर क्षेत्र में तरक्की की है, और इस बार का जो आजादी दिवस है उसका थीम है विकसित भारत। आपको याद होगा पिछली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2047 में हम लक्ष्य लेकर चले कि किस तरीके से भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आज भारत कहाँ है, कितनी तरक्की भारत ने की है और कितने और कदम चलना अभी बाकी है, और विकसित भारत के उस लक्ष्य से हम कितनी दूर हैं, और आज का युवा किस तरीके से उस विकसित भारत में अपना योगदान दे सकता है। देश का युवा हमारे साथ मौजूद है, एक बार तालियां आप सभी के लिए। और साथ ही साथ आज के इस आजादी दिवस को मनाने के लिए देश के जाने माने कवि हमारे साथ मौजूद है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अनामिका वालिया हमारे साथ है, बहुत स्वागत है अनामिका जी। सुदीप भोला हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शंभू शिखर हमारे साथ आ चुके हैं और मेरे साथ हैं दीपक सैनी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें आजादी दिवस की। देखिए आजादी के मायने हम सबके लिए क्या है, इस पर तो हम बात करेंगे अपने कवियों से, लेकिन आज नेताजी अपनी तरफ से अलग अलग संदेश दे रहे हैं, तो नेताओं के संदेशों से ही हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आजादी का 78वां वर्ष, सबसे पहले अमित शाह देश के गृह मंत्री किस तरीके से बधाई देंगे, बताइए दीपक। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यदि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आपके बीच में होते तो आपको कैसे शुभकामनाएं देते देखना। देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको 15 अगस्त की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा देश हमारा भारत नित नई ऊंचाइयों पर बढ़ता रहेगा, और भारत को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। आज नवजोत जी, आज भारत के चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, एक तरफ तो बांग्लादेश जैसी हालत है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, और हमारा भारत उनमें सबसे विकास की सीढ़ियों पर। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बधाई संदेश के लिए। तो चलिए, जब हिंदुस्तान की तस्वीर हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो किस तरीके से आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और कहां भारत ने आज तरक्की की है। तो सुदीप जी, जब आप विदेशों में जाते हैं तो कैसे हमारे भारत की छवि बदली है, जरा बताइए। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की दुनिया भर के प्रत्येक भारतवासी को दिल से शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज़ादी का ये महापर्व है, जैसा कि नवजोत जी आपने बताया, हमने दुनिया के कई देशों में जाकर के काव्य पाठ किया, तमाम भारतवंशियों के बीच हम जाते हैं। एक समय वो था जब महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था, जब हम आज़ाद नहीं थे, और उस यात्रा को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज दुनिया को अगर अपनी कोई व्यवस्था पटरी पर लानी होती है तो वो भारतीयों की तरफ देख रहा है। ये तरक्की हमारे देश ने की है, बिल्कुल सही। मैं भारत के हर भारतवंशी को पूरी दुनिया में देख रहे इस चैनल के माध्यम से मेरा संदेश देना चाहता हूँ। एक कविता सुनाता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं आप सब भी हैं, हम सब भी हैं। सुनिए कि हम किसी देश भी बसे, हम किसी देश भी बसे, बसा है देश हमारे सीने में। हम किसी देश भी बसे, हम किसी देश भी बसे, बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम बसे किसी भी देश, हम किसी देश भी बसे, बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम किसी देश भी बसे, के ओमान से लेकर अमरीका, गर्वित तिरंग हर्षाया है।
ओमान से लेकर अमरीका गर्वित तिरंग हर्षाया है, हर महाद्वीप में भारत माता का सम्मान बढ़ाया है, क्या बात है? हर संस्कृति का सम्मान किया, हर संस्कृति का सम्मान किया, भूले ना अपने संस्कार, जिस देश रहे उस माटी को मौसी के जैसे किया प्यार, क्या बात जिस है, देश क्या बात रहे है? उस माटी को मौसी के जैसे किया प्यार, देव की यशोदा, देव की यशोदा दोनों का अरमान हमारे जीने में, भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में, क्या बात हम है? किसी देश भी बसे, हम किसी देश, और क्या पूंजी लेकर के निकले थे, कुल $8 लेकर के निकले मेरे भारतवासी, आज मिलियन डॉलर्स के आसामी बने हुए हैं पूरी दुनिया में, बिल्कुल, बिल्कुल, वो दिखाता हूँ, दृश्य देखिएगा और गर्वित होइएगा अपने भारतवंशियों पर, के संघर्ष परिश्रम लगन और ईमान हमारे गहने हैं, संघर्ष परिश्रम लगन और ईमान हमारे गहने हैं, आचरण भरोसे मंद रहा और संयम के क्या कहने हैं, आचरण भरोसे मंद रहा और संयम के क्या कहने हैं, हमने सबको स्वीकार किया, हमने सबको स्वीकार किया, सबने हमको स्वीकारा, और स्वर मिला लेना, हमने सबको स्वीकार किया, सबने हमको स्वीकारा है, इसलिए विश्व में सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है, इसलिए विश्व में सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है, एक उम्र गुजारी, एक उम्र गुजारी है हमने घनघोर हलाहल पीने में, भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में, हम किसी देश भी बसे, हम किसी, और आखिरी यंत्रा सुनाता हूँ, गर्वित होइएगा अपने ऊपर, हम कहाँ से शुरू हुए और आज कहाँ तक पहुँचे इस आजादी के 78वें वर्ष में, मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ हम सबकी तरफ से, सुनिए, के गांधी सुभाष की परिपाटी, शंभू भाई सुनना, के गांधी सुभाष की परिपाटी, अगले नाम पे गर्वित हो जाओ तो फिर साथ होना, के गांधी सुभाष की परिपाटी सुंदर पिचाई तक आई है, क्या बात है, गांधी सुभाष की परिपाटी सुंदर पिचाई तक आई है, साकार स्वयं होकर अपनी, साकार स्वयं होकर अपनी कल्पना चावला छाई है, क्या साकार स्वयं होकर अपनी कल्पना चावला छाई है, उद्योग योग सहयोग सभी में हमने धाक जमाई है, उद्योग योग सहयोग सभी में हमने धाक जमाई है, इसलिए खास हैं हम क्योंकि दुनिया में साख कमाई है, इसलिए खास हैं हम क्योंकि दुनिया में साख कमाई है, है कोहिनूर सी, है कोहिनूर सी चमक मेरे भारत के हर एक नगीने में, वाह वाह वाह, भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में, वाह, हम किसी देश भी बसे, हम किसी देश भी बसे, बसा है देश हमारे सीने में, भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में, गाना है तो मिलके गाइए, भारत की खुशबू आती है खून पसीने में, अपने खून पसीने में, बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या बात है, क्या बात है, वर्ष की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, देखिए तमाम नाम यहाँ पर सुदीप जी ने लिए हैं, एक चीज और है जो हम सभी को गौरवान्वित करती है, हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि जब हम ओलंपिक्स में हमारा कोई भी खिलाड़ी जब खेल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम वहां पर मौजूद हैं, और जब वो खिलाड़ी जीत कर उस पोडियम पर खड़ा होता है, तिरंगा उसके कंधे पर होता है, यकीन मानिए हमारा और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं, जब तिरंगा लहरा रहा है विदेशी धरती पर, और वो क्यों होता है, क्यों उस तिरंगे के तीन रंग इतने खास हैं कि हम हमें गर्व से भर देते हैं, अनामिका जी बताइए उन तीनों रंगों का महत्व क्या है, हुई पैदा मैं इस माटी में ये अभिमान मेरा है, वाह,
मिली माँ भारती की गोद ये सम्मान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद ये सम्मान मेरा है। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको, कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। मैं हिंदुस्तान की बेटी ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान की बेटी ये हिंदुस्तान मेरा है। नवजोत जी, आपने तिरंगे के रंगों की बात की तो मैं यहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ कि एक बार एक अध्यापक ने कक्षा में बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ तिरंगे में कितने रंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपका जवाब क्या होगा? कितने रंग होते हैं तिरंगे में? सभी का जवाब है तीन रंग। लेकिन लास्ट बेंच पर बैठे एक बच्चे ने कहा सर पांच रंग होते हैं। तो अध्यापक ने कहा गलत जवाब। अध्यापक ने कहा कि पांच रंग कैसे हुए? तो बच्चे ने कहा सर पहला रंग केसरिया, दूसरा सफेद, तीसरा हरा और चौथा चक्र का नीला रंग। तो अध्यापक ने कहा कि ये तो चार रंग हुए, पांचवा रंग कौन सा है? अगर उस बच्चे ने जो जवाब दिया अगर वो जवाब आपके दिलों को छू जाए तो देश के हर सैनिक के सम्मान में आप तालियां उठाइएगा। उस बच्चे ने कहा कि जब मैंने आखिरी बार अपने पिता को देखा और वो सरहद से घर वापस लौटे तब वो तिरंगे में लिपटे हुए थे और उस तिरंगे पर उनके खून का लाल रंग का निशान क्या था। बात है, क्या वो है तिरंगे का पांचवा रंग। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। हम सब, पूरा देश तिरंगे से प्यार करता है लेकिन एक सैनिक के प्यार में और हम सब के प्यार में क्या अंतर है? कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा जी। तिरंग से तो प्यार करता है हर देशवासी, नेताजी भी शान से तिरंगा फहराते हैं और कवि हम जैसे मान में तिरंग की तो यश गान वाली ढेरों कविता सुनाते हैं। क्या बात है। कोई क्रिकेट मैच हो तो चेहरे पे आप लोग भी तो बड़े शौक से तिरंगा बनवाते हैं। सैनिकों के प्रेम का तो पर कोई सानी नहीं, पूरे ही बदन पे तिरंगा ओढ़ाते हैं। सैनिकों के प्रेम का तो पर कोई सानी नहीं, पूरे ही बदन पे तिरंगा ओढ़ आते हैं। केसरी सफेद हरा तीनों रंग देख देख सब देशवासियों को होता अभिमान है। चक्र वाला नीला रंग हर धमनी में बह रोम 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 में जगाता स्वाभिमान है। आज तक संविधान में हमारे देश के तिरंग में तो चार रंग वाला प्रावधान है। पांचवा भी रंग कोई पूछने लगे तो फिर कह देना सैनिकों के खून का निशान है। रंग कोई पूछने लगे तो फिर कह देना सैनिकों के खून का निशान है। बहुत बहुत आभार। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तिरंगे को बहुत अच्छे तरीके से, हम अभी तक कहते तीन रंग, चौथा नीला, लेकिन पांचवा रंग, और उस रंग के बिना यकीनन ये आजादी अधूरी है। और वही रंग जो है वो हम सबको गौरवान्वित भी करता है, हम सबको आज आजादी का एहसास भी करा रहा है। तिरंगे पर दो लाइनें आपकी तरफ से हो जाए। मोदी जी ने कहा है कि हर घर में तिरंगा फहराना है, एक अभियान चल रहा है, तो मैंने सोचा जब तिरंगा फहरता है तो क्या कैसा लगता है, सुनिएगा। हर घर पे तिरंगा फहरा है, यह लहर लहर जब लहरा है तो 1.5 अरब लोगों की यह शान दिखाई दी है, भारत माँ के होठों पे मुस्कान दिखाई दी। क्या बात है, वाह। और तिरंगा कहाँ कहाँ फहरता है? सीमा पर कुर्बानी दे वीरों ने इसको ओढ़ा है, सीमा पर कुर्बानी दे वीरों ने इसको ओढ़ा है, खेलों में भी जीत के सोना खिलाड़ी लेकर दौड़ा है। इसे देख कर रशिया ने भी युद्ध विराम किया है, अमरीका ने भारत आकर इसे सलाम किया है, पूरी दुनिया इसका ही करती गुणगान दिखाई दी है, भारत माँ के होठों पर मुस्कान दिखाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हमारे देश की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो विदेशी लोग अपना रहे हैं, और उसमें यकीन मानिए सबसे ऊपर है हमारी संस्कृति। अब योग दिवस, पहले तो भारत में और अब पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी संस्कृति के रंग में किस तरीके से पूरी दुनिया रंग रही है, शंभू जी समझाएंगे। सबसे पहले तो GNT की तरफ से पूरे देश को और देश के बाहर भी बसे हर एक भारतीय को आज के इस पावन पर्व की, क्योंकि ये राष्ट्र का पर्व है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रश्न बहुत छोटा सा उठा कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति,
भारत ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है और पहली लाइन से ही आप सबको आनंद आएगा। आनंद आप देखिए कि पेड़ों में जान होती है ये हमने बताया। इस दुनिया को पहली बार हमने ही बताया कि पेड़ों में भी जान होती है, कि पेड़ों में जान होती है ये हमने बताया, हमने ही तो गणित का पहला पाठ पढ़ाया। सागर पे से तू हम है कब से बांधते आए, सागर पे से तू कब से हम है बांधते आए, हमने ही मोहब्बत का पहला पाठ पढ़ाया, हमने ही मोहब्बत का पहला पाठ पढ़ाया। अब देखिए साहब कि हमने गुलामियों के दाग को मिटा दिया, हमने गुलामियों के दाग को मिटा दिया, दुश्मन को हमने धूल सदाई चटा दिया। भारत की सभ्यता का ये परिणाम हुआ कि भारत की संस्कृति का ये परिणाम हुआ कि 21वीं सदी में भी योगा सिखा दिया, 21वीं सदी में भी योगा सिखा दिया, हमने ही सभ्यता का पहला मंत्र दिया है, हमने ही सभ्यता का पहला मंत्र दिया है, पुष्पक विमान जैसा हमने तंत्र दिया है, दुनिया ने वैसे सबको दिया राजतंत्र पर हमने ही पहला पहला लोकतंत्र दिया है, क्या बात है, क्या हमने बात है? ही पहला पहला लोक तंत्र दिया है। और देखिए चार लाइनें में और कहना चाहता हूं कि दुनिया में भारती के सिंहनाद हो रहे, वेदों के मंत्र विश्व भर को याद हो रहे, नफरत लिए है पाक तो बर्बाद हो रहा, हम प्यार मोहब्बत लिए आबाद हो रहे, हम प्यार मोहब्बत लिए आबाद हो रहे, हम प्यार के मिट्टी की सौंधी सी महक है अपने गांव में, मिट्टी की सौंधी सी महक है अपने गांव में, मिलता है स्वर्ग भारती माता के पांव में, दुनिया ने देखा युद्ध से बचने के लिए अब सब लोग आ रहे हैं तिरंगे की छांव में, क्या बात है, सब क्या लोग बात आ रहे हैं तिरंगे की छांव में। बहुत बहुत आभार, क्या बात है, तालियों के साथ शंभू जी का धन्यवाद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, देखिए किस तरीके से हमारी संस्कृति को शंभू जी ने बखान किया है। अब क्योंकि आज आजादी दिवस हम और आप सभी मना रहे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से संदेश देता है, तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, वो भी संदेश देना चाह रहे हैं, कुछ क्या संदेश है आज जनता के लिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आप लोगों से अपील कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं 15 अगस्त पर। नमस्कार दोस्तों, साथियों मैं आपका भाई आपका बेटा बोल रहा हूँ। ये देश की आजादी का पर्व चल रहा है लेकिन मैं गुलाम पड़ा हूँ, अंदर मैं अंदर हूँ दोस्तों, मेरे बाहर आने तक ये आजादी मायने नहीं रखती दोस्तों। देश के लिए जब तक मैं बाहर नहीं आता आजादी मायने नहीं रखती। हालांकि मनीष को जमानत मिल गई है, ये तो और भी गलत हो रहा है दोस्तों। ये लोग मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहते हैं, वो 6 बजे उठ के मेरे लिए गाना गाता था, अब तो मैं अकेला रह जाऊंगा दोस्तों। मेरी आप सबसे विनती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकार को बताएं कि मुझे अंदर रखने से कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बेटा हूं आपका भाई हूं। तमाम देश के जाने माने कवि हमारे साथ मौजूद हैं, 78 साल की आजादी को हम मना रहे हैं। लक्ष्य बहुत सारे, उन लक्ष्य पर भी आएंगे लेकिन उससे पहले उसी रंग का जिक्र करेंगे, बिना फौज बिना सेना बिना सैनिक के आजादी अधूरी है। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, क्या बात, जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए,
जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर, उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी, अरे भूखे सोते हाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। एक एक पंक्ति के साथ यात्रा कीजिएगा कि भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, क्या बात है, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार युगों तक होगी जय जयकार, गगन से ऊंचा था किरदार धरा पर आए थे अवतार, फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, मंद मंद मुस्काए, क्या बात है, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। वाह, और देखिएगा क्या क्या त्यागा उन्होंने, कैसे कैसे त्योहार मनाए, कि माँ के हाथ की रोटी छोड़ी जेल की रोटी खाई, क्या बात है, हाथों में हथकड़ियां पहनी राखी ना बंध पाई, आजादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई, घर घर हो जाए दिवाली ऐसी अलख जगाई, कभी देखो उनके परिवार जहां हर कोने में अंधियार, जहां एक बूढ़ी माँ बीमार, जहां एक पिता बहुत लाचार, जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को, अरे बिजली काट दी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद, क्या बात है, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बताया समझाया शंभू जी। तो इस बार की जो आजादी है वो पूरी तरह से सेना के नाम, हालांकि इस बार का जो थीम है वो आत्मनिर्भर भारत है, लेकिन सेना के बिना ये आजादी वाकई अधूरी है, एक एक सैनिक के बिना आजादी अधूरी है। के होता वही है दोस्त जो किस्मत में लिखा है, होता वही है दोस्त जो किस्मत में लिखा है, हर बार हमने जीत का ही स्वाद चखा है, एक बात दुनिया जानती और मानती भी है, भारत के सैनिकों के आगे कौन टिका है, भारत के सैनिकों के आगे कौन टिका है, खिलते हो फूल जहाँ भारतीय एकता के, आप ऐसे राहों के इराही बन जाइए, कविताएं लिखनी हो जब भी वतन पे तो लेखनी की आप खुद स्याही बन जाइए, सत्य जहाँ बार बार झूठ को परास्त करे, आप ऐसे पल की गवाही बन जाइए, देश की अखंडता पे आँच यदि आने लगे, आप जहाँ भी रहो सिपाही बन जाइए, आप जहाँ भी रहो सिपाही बन जाइए, आप जहां भी रहो सिपाही बन जाइए। और देखिए साथ में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अभी पड़ोसी मुल्कों के जो हालात हैं वो थोड़े से डगमगाए हुए हैं, तो लोग भारत की तरफ भी कुछ कुछ शंका भरी नजरों से, या कुछ जिस बयान को कहना भी उचित नहीं है, सोचना भी उचित नहीं है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हर दौर में ये गूंजता संवाद रहेगा, हर दौर में ये गूंजता संवाद रहेगा, नफरत में भी ये तो सदा अपवाद रहेगा, कोई मिटा सकता नहीं हस्ती को हमारी, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा, भारत का लोकतंत्र। और जो लोग भी प्रश्न उठाते हैं उनको भी ये बात मैं अंतिम 4 लाइनें कहना चाहता हूं,
के इसके समक्ष सच में ही खड़ा नहीं कोई, साए में इसके मानिए डरा नहीं कोई, कोई भी था नशा यहाँ हो नहीं सकता, कोई भी था नशा यहाँ हो नहीं सकता, भारत में संविधान से नहीं बड़ा कोई, भारत में संविधान से बड़ा नहीं कोई, भारत में संविधान से, भारत माता की जय। देखिए आज़ादी कहते हैं कि वही समझ सकता है जिसने गुलामी की जंजीरें देखी हों, और हमने 78 साल पहले उन जंजीरों को तोड़ा था, और इसीलिए आज उसके मायने क्या हैं वो समझ सकते हैं हम। और यही एक वजह है कि इस बार का जो थीम है वो विकसित भारत का लक्ष्य है, क्योंकि अगर हम शून्य से यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो यकीन मानिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत दूर नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, अपनी आजादी को समझना होगा, ये कितनी अनमोल है उसे समझना होगा। तो उस आजादी के मायने क्या है अनामिका जी? नवजोत जी, अगर आजादी के मायने समझने हैं तो हमें महाराणा प्रताप को देखना होगा, जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया पर मुगलों की दास्ता नहीं। और मेरे नाना जी ने आजाद हिंद फौज के सेनानी के रूप में भी देश की सेवा करते हुए काले पानी तक की सजा उठाई। सैनिकों के सम्मान में गीत, एक सैनिक जो कारगिल युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है उसकी माँ कितनी बहादुर है, कितनी हिम्मत वाली है, किस तरह से वो युद्ध जीतने के लिए अपने बेटे को प्रेरित करती है, वो गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। क्या कहती है सैनिक की माँ एक सैनिक से, बेटा है तू भारत माँ का मान बढ़ाना तू, बेटा है तू भारत माँ का मान बढ़ाना तू, जिस माटी ने गोद खिलाया उसका मोल चुकाना तू, करगिल की ऊंची चोटी पर तिरंगा ऊंचा फहराना तू, गर्गोली खानी है तो फिर सीने पर ही खाना तू, गर्गोली खानी है तो फिर सीने पर ही खाना तू, दुश्मन से टकराना डटकर कदमों को पीछे करना न तू, रणभूमि में एक कायर सा बेटा हरगिज मरना न तू, मातृभूमि को आज जरूरत भगत शेखर से जवानों की, जा बेटा जा दोहराने तू गाथाएं बलिदानों की, जा बेटा जा दोहराने तू गाथाएं बलिदानों की। और उस वीर माँ का वीर बेटा किस तरह से युद्ध में शहादत को पाता है, छली हो गया बेटे का सीना माँ की सीख निभाते हुए, तिरंगा उसने फहराया ऊंचा जय हिंद नारा लगाते हुए, अपने शव के साथ वो देखो विजय की खुशबू लाया है, वर्दी पहन के निकला था घर से तिरंगा ओढ़ के आया है, वर्दी पहन के निकला था घर से तिरंगा ओढ़ के आया है। और चार अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, हर शहीद के लिए कहती हूँ, याद रहेगी शहादत उसकी अमर उसका बलिदान रहेगा, जब तक माँ देंगी ऐसे ही बेटे भारत मेरा ये महान रहेगा, मेरे जहन में मेरे दिल में बस इतना अरमान रहेगा, मेरी जुबां पर हर दिन हर दम शहीदों का यश गान रहेगा।
मेरी जुबां पर हर दिन हर दम शहीदों का जय गान रहे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अनामिका जी। तो चलिए हम वापस लौटते हैं इस बार के लक्ष्य की तरफ, और वो है आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य। और वो लक्ष्य पूरा कैसे हो सकता है, उसकी एक रूपरेखा शंभू जी से समझते हैं। कि नाकामियों के सारे पन्ने फाड़ आए हैं, नाकामियों के सारे पन्ने फाड़ आए हैं, हम तोड़ कर के सारे ही पहाड़ आए हैं। भारत है विश्व का गुरु ये मानते हैं सब, हम चांद पर भी जाति रंगा गाड़ आए हैं, हम चांद पर भी जाति रंगा गाड़ आए हैं। और आत्मनिर्भरता जो होती है वो होती है लोगों के डेडिकेशन से, हम लोगों का किस तरह का मन है, हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं। कि जीते हैं कई लोग तो बस धन के वास्ते, दुनिया में इतने देशों की यात्रा की, उनके भीतर राष्ट्रवाद जैसा शब्द सुनने को कई बार हम लोग तरस जाते हैं, देखने को तरस जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो है तो बस कंट्री ही उनके लिए सब कुछ करे, वो कंट्री के लिए कुछ ना करे। और उनको ये भी नहीं पता होता कई लोगों को कि उनकी कंट्री कब आजाद हुई, क्योंकि उनको आजादी का मतलब भी नहीं पता होता। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि जीते हैं कई लोग तो बस धन के वास्ते, और लोग कितने ही मिले हैं तन के वास्ते, हमने तो कुछ भी पाया है तो बस यही पाया, सब कुछ हमारा सिर्फ है वतन के वास्ते। भारत माता की। क्या बात है। और जब हम इस आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की बात करते हैं तो उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, देश के युवाओं की। तो देश के युवाओं का आज क्या दायित्व है अनामिका जी? मैं सबसे पहले चार पंक्तियां युवाओं तक पहुंचाती हूं। उठो जागो ए नवयुवकों, हमें आगे को बढ़ना है, उगा करके नया सूरज हमें तिमिरों से लड़ना है, समय की मांग है इस देश के सब नौजवानों से, विवेकानंद बनकर के नए भारत को गढ़ना है, विवेकानंद बनकर के नए भारत को गढ़ना है। एक छोटा सा गीत के माध्यम से सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ। क्या है वो संदेश सुनिएगा। नवयुग 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 का निर्माण करो, नवयुग 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 का निर्माण करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। संसद 57 में जो दहकी वो विद्रोही आग यहाँ, 57 में जो दहकी वो विद्रोही आग यहाँ, पावन भूमि हल्दी घाटी जलियां वाला बाग यहाँ, पावन भूमि हल्दी घाटी जलियां वाला बाग यहाँ, गौरवशाली गाथाओं का पल 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 गुणगान करो, गौरवशाली गाथाओं का पल 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 गुणगान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। भूल न जा ना हरगिज अपनी माटी के उपकारों को, भूल न जाना हरगिज अपनी माटी के उपकारों को, इतिहासों में हरगिज माफी मिलती ना गद्दारों को, इतिहासों में हरगिज माफी मिलती ना गद्दारों को, विजयी विश्व तिरंगे का तुम पल 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 सम्मान करो, विजयी विश्व तिरंगे का तुम पल 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 सम्मान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, नवयुग 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 का निर्माण करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। क्या बात है, क्या बात है। भारत माता की जय।
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अनामिका जी। तो देखिए, जब हम बात आज आजादी की कर रहे हैं, हमने नेताओं से तो बधाई संदेश ले लिए, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, वो भी अपनी अपनी तरफ से बधाई संदेश दे रहे हैं। तो क्या संदेश इस बार लाए हैं आप? बाबा पर्ची बना रहे हैं 15 अगस्त के मौके पर। पर्ची आप जानते हैं, बाबा जी पर्ची बना देते हैं पहले ही, कौन है, कहां से आया है, क्या करेगा, कब भरेगा, कब मरेगा। तो 15 अगस्त पर बाबा जी ने देश की और देश के दुश्मनों की पर्ची बनाई। बाबा जी आ गए आपके बीच में। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी 15 अगस्त के मौके पर समस्त भारतवासियों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। और बाबा ने पहले ही पर्चा बना रखा देश के दुश्मनों का, और बाबा खाली पर्चा बनाते नहीं, देश के दुश्मनों का पर्चा फाड़ भी देता है बाबा। तो अब की बार जिसने हमारे तिरंगे पर नजर उठा के देखी मेरी बहन, हम उसकी ठठरी और गठरी दोनों बाबा बांधेंगे। वाह क्या बात है बाबा जी। कोई चिंता करने की बात नहीं है बाबा, वहीं जाकर के ठठरी गठरी बांध के तिरंगा सदा ऊपर कर देंगे। बोलो भारत माता। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा देखिए, हमारे जब हम आजादी दिवस मनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बढ़िया से गीत होते हैं जो हम उस दिन सुनते हैं, तो सुदीप जी ने उसी गीत पर एक अच्छी सी खूबसूरत पैरोडी बनाई है, तो हो जाए फिर। आज के अपने काव्य पाठ की एक आखिरी प्रस्तुति देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप स्वर में स्वर मिलाए। जिसने नहीं भी सुना तो वो गा सकते हैं, वो पंक्ति कहीं ना कहीं सुनी होगी, सुनिएगा। कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जिसको गाकर आजादी के दीवाने कुर्बान हुए, जिसको गाकर आजादी के, आप लोग गा सकते हैं तो गा लीजिए, जिसको गाकर आजादी के दीवाने कुर्बान हुए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बेटे ये बलिदान हुए, आज तराना वही छेड़ दो, आज तराना वही छेड़ दो, बोल रहा ये भोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी के परवानों की जब गाती थी टोलियां, के आजादी के परवानों की जब गाती थी टोलियां, गोरे सुनकर कांप उठे थे इनकलाब की बोलियां, गोरे सुनकर कांप उठे थे इनकलाब की बोलियां, उनके स्वर तेवर के आगे, उनके स्वर तेवर के आगे, क्या गोली क्या गोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। आखिरी सुनिएगा। अमर शहीदों की कुर्बानी हरगिज नहीं भुलाएंगे, अमर शहीदों की कुर्बानी हरगिज नहीं भुलाएंगे, जो सौगंध उठाई हमने वो सौगंध निभाएंगे, जो सौगंध उठाई हमने वो सौगंध निभाएंगे, आजादी के महापर्व पर, आजादी के महापर्व पर, लो हमने फिर बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। उस अमर चोले को पहनने वाले उन दूल्हों को जिन्होंने आजादी की दुल्हनिया लेकर के आए और इस देश को आजादी दी, मैं निवेदन करता हूं एक बार उनके सम्मान में दोनों हाथ उठाएं, कम से कम 10-10 बार तालियां बजाएं, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो देखिए, आजादी हम मना रहे हैं, लेकिन ये बात भी याद रखनी होगी कि आजादी सिर्फ ये पर्व एक दिन के लिए नहीं, बल्कि 365 दिन इसके मायने भी हमें समझने होंगे, और उन मायनों को समझते हुए हमें अपना दायित्व भी निभाना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य यानी कि आत्मनिर्भर भारत और
स्वतंत्र भारत के सही लक्ष्य को आगे पा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का यहाँ जुड़ने के लिए। तो आप सभी को एक बार फिर से आजादी मुबारक। जय भारत माता की। जय।